हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह 30 डेज रिवीजन कोर्स खंड शिक्षा अधिकारी के प्रॉपर कोर्स में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 8 इसका। आप लोगों को पता है 26 दिन रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द सीरीज़ कंप्लीट करिए, और मैं भी एक एक दिन में 3 से 4 सीरीज़ लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग रिवीजन अपना अच्छे से कर सकें। तो आज चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 8, जिसमें हम हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, मैथ्स के क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे, करंट अफेयर भी करेंगे, जिसमें पूरे एक साल के करंट अफेयर होंगे। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। जो व्यूवर्स नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सीरीज़ हमारे चैनल पर लगातार आती है, चाहे वो MPPCS हो, UPPCS हो, RO हो, AR हो, या फिर BEO का एग्ज़ाम हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, तनाव के कारण भूपट्टी पर पड़ने वाले जो पर्वत बनता है उसे क्या कहा जाता है? तरुण वलित पर्वत, जीर्ण वलित पर्वत, लोकोलित पर्वत, या ब्लॉक पर्वत? तो करेक्ट आंसर है इसका ब्लॉक पर्वत, जिसे भ्रंशोज पर्वत भी कहते हैं। ये तनाव के कारण भूपट्टी पर बनता है ऐसा पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये पहले भी मैं करा चुकी हूँ, माइटोकांडिया, जिसे जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ओवरशूट दिन के बारे में कौन से दो कथन दिए हैं, इस पर विचार कीजिए। तो ये वह तारीख है जिस पर वर्ष के ये मानवता के संसाधन खपत उस वर्ष उन संसाधनों को पुनः उत्पन्न करने की पृथ्वी की क्षमता से अधिक है। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। यह दिन IPCC द्वारा तय किया गया और संयुक्त रूप से यूनेस्को के साथ मनाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, केवल एक इसका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत संविधान में भारतीय लोकतंत्र के मूल्य किस में देखे जा सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के मूल्य हमारे प्रस्तावना में देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर जितने भी संविधान में हमारे गुण हैं सारे प्रस्तावना के अंदर सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार है? तो जीवन का अधिकार ये पहले से ही था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये पहले से ही था, और निजता का अधिकार, तो ये है अब इसे जोड़ा गया है, और इसका करेक्ट आंसर होगा निजता का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इससे दिमाग लगा के क्वेश्चन करना, ध्यान से सुनना। 90 की कक्षा में, मतलब 90 बच्चों की कक्षा में, जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दोगुनी हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में मान लेते हैं, अगर मान लो लड़के एक्स हैं तो लड़कियाँ यहाँ पर 2x होंगी, दोगुनी हैं इसकी। तो विनय शीट से 14 स्थान पर है, विनय शीट से 14 स्थान पर है, 90 बच्चे हैं, तो अगर इन दोनों का x प्लस 2x का हम लोग टोटल करेंगे तो इसका आंसर हमारा 90 आना चाहिए, क्योंकि x है लड़के और 2x है लड़कियां। तो अब 3x इक्वल टू 90 मतलब कि टोटल बच्चे 90 हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 3x हैं, तो दोनों हो गया 90। अब x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने माना था लड़के, तो x बराबर 30 हो जाएगा यहाँ पे, और मैं आपको थोड़ा सा ओरली समझा देती हूँ, या लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और 2x मतलब लड़कियाँ हैं, लड़कियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास, अगर x लड़के हैं तो लड़कियाँ हो जाएंगी हमारे पास 60, क्योंकि टोटल बच्चे 90 हैं, लड़कों की संख्या 30 है, तो लड़कियों की संख्या 60 हो जाएगी। अब ये संख्या तो दोनों की आ चुकी है। अब इसके बाद बोला है विनय शीर्ष से 14 स्थान पर है, तो टोटल बच्चे अगर 90 हैं तो उसमें विनय अगर 14वें स्थान पर है शुरू में से, तो फिर अगर इसमें माइनस कर देते हैं 90 में से 14, तो विनय के पीछे कितने बच्चे हैं? तो विनय के पीछे 76 बच्चे होंगे, यहाँ आप समझ चुके होंगे, विनय के पीछे जो है वो 76 बच्चे होंगे, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। इतना समझ में आ गया होगा, आगे मैं आपको बताती हूँ इसे। अब इसके बाद 76 बच्चे जो टोटल बच्चे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर विनय के आगे 10 लड़कियां विनय के आगे हैं, तो टोटल लड़कियां हमारे पास कितनी है, 60 लड़कियां हैं, उसमें से 10 अगर विनय के आगे हैं, मतलब कि 14 बच्चों में 10 लड़कियां हैं, तो यहां पर हो गया 50 लड़कियां अभी भी रह गई हैं जो विनय के पीछे होंगी,
अगर 10 आगे हैं तो पीछे कितनी होंगी, 50। अब यहाँ पर 76 बच्चे टोटल हैं पीछे विनय के, और उसमें 50 लड़कियां हैं, तो फिर लड़के कितने होंगे? तो 76 में से अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 26। तो यहाँ आपको होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे हमें जैसे जैसे इक्वेशन दी होती है वैसे वैसे ही क्वेश्चन करते जाने और वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 86वीं संविधान संशोधन जो हुआ था संवैधानिक उसमें जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 51 ए। तो ये तीनों ही जो जोड़े गए थे वो 86वीं संविधान संशोधन में जोड़े गए थे जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों की एक श्रृंखला की सिफारिश की थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उसने की थी मौलिक अधिकारों की श्रृंखला की सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था? तो ये लिखा है चिंगलेन साना सिंह, ये नहीं है। दीपा मलिक को चुना गया था, बजरंग पूनिया को भी चुना गया था, और तजिंदर पाल सिंह तूर इनको नहीं चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही, मतलब कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन 2 ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रमानुसार से लिखना है यहाँ पर। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रदर्शन, सिफारिश, आगमन, वाद विवाद और परिचय। तो सबसे पहले किसी का भी आगमन होता है, ये आएगा नंबर 1 पे, उसके बाद उसका परिचय दिया जाता है, फिर उसका प्रदर्शन होता है क्या वो प्रदर्शित कर रहा है, फिर अगर कोई वाद विवाद होता है तो वो होता है ये रहा, और उसके बाद उसकी सिफारिश की जाती है। तो ये 5th पे आएगा, यहाँ पे ये हो गया 4 पे। तो ऑप्शन हमारा 3, 5, 1, 4 और 2, 3, 5, 1, 4, 2। तो ये है 3rd नंबर, 3, 5, 1, 4, 2 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है रोमियो और जूलियट किसने लिखा है? तो ये आप लोगों को सबको पता होगा, विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ई गिरी? तो कृषि थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहा जाता है? आदिम जीविका कृषि, गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरण कृषि या शुष्क कृषि? तो आदिम जीविका कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस का पूर्ण रूप क्या है? जो बच्चे ईवीएस की बुक पढ़ते हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड एक गणतंत्र देश क्यों नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है क्योंकि इसका एक अलिखित संविधान है, इसके देश का प्रमुख निर्वाचित नहीं है, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस देश का जो प्रमुख है वो निर्वाचित नहीं है, इसीलिए ये गणतंत्र देश नहीं कहलाता। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब ये दो हमें दिए हुए मैचिंग के, इसमें उद्यान दिए हुआ है और उसके राज्य दिए हुए हैं, तो आपको बताना है क्या सही है क्या इसमें गलत सुमेलित है। तो पहला क्वेश्चन है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, ये बिल्कुल गलत है, ये है गोवा में। तो पहला ही हमारा सही हो जाता है इसका ऑप्शन। बाकी आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, कांजीरंगा असम में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष को इसके सदस्यों में से चुना जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और किसी भी दो राज्यों में राज्यसभा की संख्या समान नहीं हो सकती, तो ये गलत है, हो सकती है, तो इसका केवल एक आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2019 को जारी फाइनेंशियल टाइम मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2019 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और विश्व स्तर पर 17वें स्थान पर है? तो ये है आईआईएम कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मैच करना है यहाँ पर। तो जॉन डॉल्टन, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन सहित बताती हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए,
ये डी, ए का वन, मतलब कि आप यहाँ देख लीजिए, ए का वन है, जॉन डॉल्टन है जिसने आयतन आधारित निश्चित अनुपात नियम दिया था, जोजेफ प्राउस्ट है जिन्होंने भार आधारित निश्चित अनुपात नियम दिया था, एंटोनी लेवोजियर है, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और जोजेफ लुई गे लुसाक ने दिया था गणित अनुपात का नियम। तो आप ये याद रखेंगे, अगर इसका अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे? आर सी मजूमदार, वी डी सावरकर, विपिन चंद्र या एस एन सेन? तो इसका करेक्ट आंसर है वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने ये बुक लिखी थी। तो आज के 20 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।